আমার কাছে রিয়েলমি নার্জো ये मोबाइल है, ये डिस्प्ले लाइट नहीं दे रहा। इसमें पहले की डिस्प्ले ब्रेक है और नई डिस्प्ले लगाई तो इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही। ग्राफिक्स आ रहा है, हल्का हल्का ग्राफिक्स आ रहा है, दिख रहा है रियलमी का है, पर बट इसमें लाइट नहीं आ रही डिस्प्ले की। अब हम इसको उतार के देखते हैं। वैसे सारा फोन कहीं से कोई चाहिए वर्जन का इशू नहीं है, हमें क्या फोल्डर ही लगा सकते हैं क्योंकि इसमें लाइट नहीं आ रही है। अब हम इसलिए बिल्ड रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद देखते हैं इसका लाइट आईसी खराब है या कोई कंपोनेंट ब्रेक हो जाता है या कॉइल लाइट कॉइल आईसी खराब है। देखो एक तरफ से कोई रीडिंग नहीं आ रही जो डिस्प्ले के पास या पहले पिन में डिस्प्ले के पहले पिन में जा रही है। अब हम इसको ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड करने के बाद देखेंगे इसमें कितनी वोल्टेज बन रही है या वोल्टेज नहीं बन रही। ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने के बाद डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे। आ जाएगी क्योंकि ये दिक्कत लगी मेरे को और कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि ये जला हुआ था। ये फ्यूज जला हुआ था तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया। अब इसमें इसको मोबाइल में लगा के डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे जिसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही। कई बार होता है जो डिस्प्ले ब्रेक हो जाती है तो डिस्प्ले की लाइट से ये दिक्कत आ जाती है, वो शॉर्ट वगैरह हो जाती है, उससे दिक्कत आ जाती है, फिर जल जाते हैं। अब हमें इसको नई डिस्प्ले लगा के हमें चेक करते हैं। डिस्प्ले लाइट आ गई है और दिक्कत ये थी कि ये फ्यूज